तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब मूवी देखकर आ चुके हैं ब्लैकआउट, जिसने पूरा ब्लैकआउट ही कर दिया। जिस हिसाब का नाम है मूवी भी वैसी ही है। फन एंटरटेनमेंट मिलने की बड़ी उम्मीद थी क्योंकि ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग था। देन उसके बाद कास्ट में अगर लीड फेस की बात करें विक्रांत मैसी, देन उसके बाद सुनील ग्रोवर जैसे ये दो चेहरे देखने को मिल रहे थे ट्रेलर में, लगा कि भाई बहुत मजा आएगा। लेकिन उतना ही ज़्यादा बुरी तरीके से नीचे निगेटिविटी में ये घुसा के गए हैं। इट मीन्स ये है कि भाई मूवी बिल्कुल भी वाहियात है, जो बिल्कुल भी देखने के लायक नहीं है। कहानी अगर इसकी बात करूँ तो कोई कहानी ही नहीं है, बेतुकी सी कहानी जो ज़बरदस्ती की लिखावट, वन नाइट स्टोरी है, वन नाइट स्टैंड स्टोरी है, जहाँ पर भाई बहुत कुछ सस्पेंशनल होता है, स्टोरी की प्लॉटिंग ज़बरदस्त होती है, जो आगे जाके ना जनता को यानी अपनी ऑडियंस को ऐसा ना लग पाए कि भाई आगे ये वाला मोमेंट होने वाला है और वही मोमेंट उनका हो जाता है, यानी प्रिडिक्टेबल, फुल स्टोरी प्रिडिक्टेबल हो जाएगी ईजिली। देन उसके बाद बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको लगेगा कि भाई ये मूवी हम वाकई में देख रहे हैं क्या, मतलब इससे अच्छा कोई यूट्यूबर्स की हम वीडियो देख लें जो कम से कम एक अच्छी स्टोरी तो देखे ही जाते हैं। भाई साहब पूरी मूवी वाहियात है ना, इसकी स्टोरी अच्छी है, स्टोरी की जो प्लॉटिंग करी गई है, देन उसके बाद लिखावट जो एक एक करेक्टर की करी गई है, भाई पूरी फुल वाहियात है। एक करेक्टर ने भी ढंग से ना तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है, डायरेक्टर की डायरेक्शन में भी अगर मैं कहूँ तो उसमें भी खोट है। विक्रांत मैसी जो भाई अपने बबलू भैया है, ऐसा दमदार एक्टर जिसको बिल्कुल भी ढंग से निचोड़ा नहीं है, ऐसा जबरदस्ती का क्रिंजीएस्ट हेल्पलेस करेक्टर बना के दिखाया गया है जो बिल्कुल भी जमता नहीं है उसकी पर्सनैलिटी को, क्योंकि वो बंदा बहुत कुछ कर सकता है। और विक्रांत मैसी यार ये काहे ये वाली स्क्रिप्ट ले ली हो इस बंदे ने। फिलहाल भाई अगर बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है तो जाके जरूर देख लेना, लेकिन रिकमेंड करूँगा पर्सनली कि ना ही देखो ना तो अच्छा है, क्योंकि इनटॉलरेबल मूवी की लेंथ कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इसकी स्टोरी करी गई है, जिस हिसाब से इसको स्टोरी की प्लॉटिंग हुई है, देन उसके बाद अनवील हुई है, भाई सब क्लाइमैक्स की तरह नहीं लग रहा है। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग भी एक बार के लिए अच्छी लग रही थी, लेकिन सुनील ग्रोवर का जो लास्ट में एंडिंग करी गई है वो इतने बेवकूफ़ियत हरकतों से करी गई है, मतलब गली नुक्कड़ के बच्चों की लड़ाइयाँ नहीं होती है कि भाई साहब घिसू मैंने आपको गोली मार दी और वो मर गया, बस ये था कहानी और कुछ भी नहीं। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका अगले वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी और भी ज़्यादा फिलहाल मैं उस मूवी को याद करना चाहता नहीं हूँ, वरना मेरे लिए नाइटमेयर साबित हो जाएगी ये मूवी। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।